एक तरफ तेलंगाना ऑटो यूनियन वाले दो दिन की हड़ताल का ऐलान करे तो दूसरी तरफ थोड़े ऑटो वाले रोजाना की जैसी अपने कारोबार में बिजी दिखे। कई को बोले तो कितने की ऑटो चलाने वालों की जिंदगी रोजाना ऑटो चला के पैसे कमाए तो चलती, उनको खर्चे देना रहता और दूसरे घरेलू खर्चे और जरूरत पूरे करने में मुश्किल होते करते। एक ऑटो ड्राइवर बोला कि ऑटो यूनियन के बंद के ऐलान की रेस्पेक्ट करते, मगर ये ऐलान के बाद घर में बैठ गए तो उनका गुजारा मुश्किल में पड़ जाता करते। आपको बता दें कि थोड़े ऐसे घर हैं जहाँ पे घर का कोई एक मेंबर जिम्मेदारी से घर चलाता और अगर उन्हें ऑटो चलाने वाला रहा तो इसके घर को पहुँचने के बाद ही पूरा सौदा खरीद के लाने के बाद ही घर की हड्डी चढ़ती। इस वास्ते थोड़े ऑटो वाले रोजाना के जैसी बन के बाद भी ऑटो लेके अपनी रोजी रोटी के वास्ते रोड पे निकल के आए। अगर ऐसी ऑटो यूनियन वाले बन का ऐलान करे तो गरीब ऑटो वालों को घर पे बैठ जाना पड़ता। इस वास्ते ऑटो यूनियन के जो भी प्रॉब्लम है वो हुकूमत को बोलना, ना के गरीब ऑटो वालों के परेशानियाँ बढ़ाना। मैं 12 साल से ऑटो चला रहा हूं। तो बताऊंगा कि दो दिन की स्ट्राइक रखे आपके यूनियन वाले जी, आप तो क्या आपकी यूनियन को सपोर्ट नहीं करते? बेशक करते सर सपोर्ट। फिर क्या वजह है फिर आप ऑटो चला रहे? सर वजह घर की परेशानी है, ऐसे चला रहे थे सर ऑटो, गाड़ी के गुट्टे चल जाते सर, किराए की गाड़ी रहती है, अगर फाइनेंस पे भी गाड़ी लिए तो फाइनेंस भी बनना रहता सर महीने को महीना, उन्हें तो खामोश नहीं बैठता ना सर फाइनेंस वाला।